Hi guys, I hope you are having an amazing day so far. If this is your first time here, I'm Kavita Parvani and you are watching Shades of Life. Kya dekha tarike hind mein jo falak numa na dekha, Asif Jahi nagina na dekha jo shane dekan na dekha. Asif Jahi ki ye panktiyan Falaknama Palace ke upar hain aur isi ke upar mera aaj ka video bhi hai. To kya hai ye Falaknama? अरे भाई सलमान खान की बहन अर्पिता की वेडिंग तो याद है ना, यहीं पे हुई थी। कोई भी रॉयल वेडिंग हो या इवांका ट्रंप का इंडिया ट्रिप हो, फलकनुमा हर रॉयल फेस्टिविटीज़ का हिस्सा रहा है। फलकनुमा पैलेस को बनाने में 9 साल, डेकोरेट करने में 22 साल और रेनोवेट करने में 10 साल लग गए, तो क्या चीज़ बनी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। पीपल्स चॉइस सर्वे के हिसाब से ये इंडिया का सबसे खूबसूरत पैलेस होटल है और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 4th है। फलकनुमा का अर्थ है आसमान जैसा और इस पैलेस का पूरा थीम भी इसी पर है। आप भी यहाँ पहुँचकर अपने आप को क्लाउड 9 में पाएंगे। जैसे ही इस होटल में आप एंटर होते हैं, इसके मेन गेट पे आपको लेने के लिए एक रॉयल बग्घी या घोड़ा गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें बैठते ही आपको एक रॉयल सी फीलिंग आ जाएगी। इस रॉयल पैलेस के एंट्रेंस गेट से पैलेस तक पहुंचने के लिए रॉयल बग्घी और ई रिक्शा दोनों ही चलते हैं, जो आपको बहुत ही दोनों साइड ग्रीनरी वाले रोड से लेके जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मोर नाचते हुए दिख जाएंगे। तो निज़ाम के ये फॉर्मर पैलेस और अब ताज के हेरिटेज होटल में आपका स्वागत है। होटल में एंटर होते ही रेड रोज़ की पेटल्स और इत्र के साथ आपका स्वागत होगा। हैदराबाद के द देन प्राइम मिनिस्टर विकर उल उर्मा ने इसे बनवाया था। उन्होंने यहाँ पे सिख निज़ाम को 2-3 दिन रहने के लिए इनवाइट किया और निज़ाम को इतना ये पैलेस पसंद आया कि उन्होंने 1 वीक के लिए अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया और 1 वीक से बढ़ाकर इसको 15 डेज कर दिया और उसके बाद 1 मंथ तक वो वहाँ पर रुके। इसे देखते हुए विकर उल उर्मा ने निज़ाम को ये पैलेस ऑफर कर दिया। यहाँ के लाइब्रेरी की बात करें तो वो बेहद ही खूबसूरत है। इसकी अलमीराज अखरोट के लकड़ी की बनी हुई है और अलमीरा के साथ साथ इस रूम की छत भी अखरोट के लकड़ी की बनी है। इस पैलेस के बॉल रूम में एक वर्ल्ड का मास्टरपीस रखा हुआ है। ये मैन्युअली ऑपरेटेड 2 टन्स का ऑर्गन है। यहाँ की डाइनिंग टेबल 101 सीटर है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो फर्स्ट नंबर की चेयर में यदि कोई कुछ बोलेगा तो वो 101 नंबर की चेयर वाला बैठा हुआ व्यक्ति भी साफ सुन सकेगा। फलकनुमा पैलेस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंग्लैंड के 2 डिज़ाइनर्स ने एक जैसी बिलियर्ड टेबल्स बनाई थी। उसमें से एक बकिंगहम पैलेस में है और दूसरी इस पैलेस के बिलियर्ड रूम में। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ का हाई टी का एक पैकेज ले लीजिए, जिसमें आपको पैलेस घुमाने के लिए जो ट्रिप्स होती हैं, जो हर 2-3 घंटे पे होती हैं, वो भी आपको मिल जाएगी और हाई टी का आनंद भी ले सकेंगे। साथ ही सनसेट के समय आपके फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे। हाई टी में आपको इतने सारे स्नैक्स मिलेंगे और 30 से 35 तरह की चाय की वैरायटी होगी, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चाय पीनी है। डिनर में 7 कोर्स मील मिलेगा और स्टाफ इतना कर्टियस है कि आपको लगेगा कि अरे ये कहीं पैलेस आपका ही तो नहीं है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए मेरा ये चैनल शेड्स ऑफ लाइफ ज़रूर सब्सक्राइब करिए।